दोस्तों तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस सर फाइनली BGMI के अंदर A8 रॉयल पास आ चुका है। सभी लोगों ने रॉयल पास ले लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं लिया है अगर उनके पास CC वगैरह नहीं है तो वो मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लोग रॉयल पास ले सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैसे सीजन चैलेंज वाला मिशन कंप्लीट कर सकते। सीजन चैलेंज मिशन हर कोई कंप्लीट कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई रॉयल पास लेगा उसी का कंप्लीट होगा, सभी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कैसे इसको कंप्लीट करना, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिशन निकल कर आता है, फिनिश 6 एनिमीज इन अ सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक सिंगल मैच के अंदर में 6 किल करने हैं, ठीक है, वो भी क्लासिक मोड के। चाहे आप लिविक या एरेंगल या कोई से भी मैप खेलते हो, लेकिन आपको 6 किल करने रहेंगे। जैसे कर लोगे आप लोगों का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है डील अ टोटल ऑफ 1000 डैमेज विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे गाइस कहा जा रहा है कि आप लोगों को 1000 डैमेज देना है, वो भी क्लासिक मोड के अंदर, वो भी हेडशॉट मार के। मतलब अगर आप बॉडी वगैरह मारते हो तो वो काउंट नहीं होगा, अगर आप हेडशॉट मारते हो तो सिर्फ वही काउंट होगा। और जैसे ये 1000 डैमेज हो जाएगा आपका ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है क्लाइम ओवर ऑप्टिकल्स 50 टाइम इन क्लासिक मोड। तो किसी भी विंडो वॉल से आपको क्लाइम करना है। तो क्लाइम मतलब होता है कि चढ़ना उतरना या विंडो से इधर उधर करना है। तो इस तरीके से आप लोगों को 50 टाइम करना है, और जैसे ही कर लोगे आप लोगों का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है कलेक्ट 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन इन सिंगल मैच इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को एक ही क्लासिक मोड के अंदर में 5 अलग टाइप के वेपन को पिकअप करना है। जैसे मान लो कि आप लोग उतरे, आप लोगों को UMP मिली, फिर आपको AKM दिखी, फिर AKM पिकअप कर लिए, M4 दिखी, AKM4 पिकअप कर लिए, फिर स्टोल के दिखी, फिर उसको पिकअप कर लिए, फिर DP वगैरह दिखी। तो इस तरीके से अगर आपको 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन पिकअप कर लेते हो आप लोगों का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, और सिर्फ एक ही मैच में करना है, और जैसे ही कर लोगे मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पर, जिसमें लिखा एलिमिनेट 10 प्लेयर वाइल रनिंग इन क्लासिक मोड। तो आप लोगों को 10 प्लेयर को रनिंग जो भाग रहे हो उनको मारना है। देखो यार, अक्सर हम लोग फाइट लेते टाइम हर किसी बंदे को मारते हैं, जो बंदा भाग रहा हो या फॉल बैक कर रहा होता है तो वो भी एक रनिंग में आता है। रनिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रनिंग इतनी तेज़ करनी चाहिए कि पर हावर 40 मीटर भाग रहा है, ऐसा कुछ है। तो उस तरीके से रनिंग में काउंट हो जाता है। तो आप लोग उस बंदे को मारोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। मान लो जो बंदा स्प्रिंट लगा के भाग रहा है उसको मारोगे तो आप कंप्लीट ईजिली हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पे, जिसमें लिखा फॉलो टीममेट विन जंपिंग 5 टाइम इन क्लासिक मोड। अपने टीममेट को फॉलो करना है 5 बार जब आप जंप कर रहे हो। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इनवाइट टीममेट टू फॉलो यू विन जंपिंग 5 टाइम क्लासिक मोड। तो उसके बाद ये भी लिखा है कि आप लोगों को अपने टीममेट को इनवाइट करना है कि वो आपको फॉलो कर ले जब आप जंप करने जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, और एक चीज़ बता दो कि आप लोग ये दोनों मिशन एक ही मैच में कंप्लीट कर सकते हो। कैसे, पहले आप अपने टीममेट को फॉलो करो, उसके बाद इनवाइट भेजो, वो आपको फॉलो कर लें। तो एक ही मैच में दोनों वाले मिशन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले मिशन पर, जिसमें लगेगा कंप्लीट 8 मैचेस विद फ्रेंड इन एनी मोड। आपको अपने फ्रेंड के साथ कोई सा भी 8 मैच खेलना है, कोई सा भी मोड, ठीक है, और बहुत इजी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन है फिनिश 50 एनिमीज इन सिंगल क्लासिक मोड। 50 किल करना है क्लासिक मोड के अंदर, तो इजी कर लोगे। सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 200 मिनट इन क्लासिक मोड। आप लोगों को 200 मिनट क्लासिक मोड के अंदर सर्वाइव करना है, जो कि आप लोग कर लोगे। सर्वाइव तो करना कुछ मिशन तो है नहीं। यूज़ द जिप लाइन इन 5 मैचेस इन क्लासिक मोड। जिप लाइन, हाँ, ये आपको नूसा मैप के अंदर देखने को मिलती है। आप लोग जब उसको लगा के खेलोगे तो आप लोगों को उसमें जिप लाइन मिलती, तो आपको 5 मैचेस में उसको यूज़ करना है। 5 टाइम मत करना। 5 टाइम क्या होता है कि एक ही मैच में आप 5 टाइम कर लो तो वो काउंट नहीं होगा, एक मैच में सिर्फ एक ही काउंट होगा। इस तरीके से 5 मैचेस लगेंगे, देन जाके ये वाला मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन निकल कर आ रहा है, जंप एंड लैंड ऑन अ रूफ इन एरेंगल और लिविक 10 टाइम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी रूफ टॉप पे, चाहे एरेंगल हो चाहे लिविक मैप हो, किसी की भी जगह जाके किसी भी घर के रूफ टॉप पे आपको जंपिंग करना है, मतलब लैंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जैसे कर लोगे 10 टाइम तो आप लोगों का ये वाला मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मिशन निकल कर रहा है, एड 7 फ्रेंड। आपको 7 फ्रेंड बनाने हैं, जो कि ईजी आप बना लेते हो अब। इसके बाद जो अगले मिशन है, गिव 24 लाइक टू टीममेट। आप लोगों को अपने टीममेट्स को लाइक करना है 24 टाइम, ठीक है, मतलब 24 बार अपने टीममेट्स को लाइक करना है। आपको लाइक करना है, याद रखे, कोई बंदा आपको लाइक करेगा वो काउंट नहीं होगा। इसके बाद जो अगला मिशन निकल कर आ रहा है, लॉग इन इन टू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 20 डेज
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को 20 दिन लगातार गेम लॉगिन करना है। तो यार ये भी बहुत इजी मिशन है। इसके बाद जो अगला मिशन निकल कर रहा था, कंप्लीट 20 मैचेस इन एनी मोड फ्रॉम फ्राइडे टू संडे। अब इसमें बंदे कंफ्यूज होते हैं कि क्या है मतलब ये, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्राइडे और उसको सैटरडे उसको संडे, तीन दिन के अंदर में आपको 20 मैच काउंट करना है। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि फ्राइडे टू संडे मतलब उल्टा जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता, तो ऐसा नहीं है। फ्राइडे टू संडे सिर्फ तीन दिन मिलते हैं, तीन ही दिन के अंदर में 20 मैच खेलने हैं। जैसे ही खेलोगे आप लोगों का जो मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगले मिशन निकल कर आता है, गिफ्ट और गिफ्ट बैग बीपी टू 10 डिफरेंट फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड्स को बीपी वगैरह मतलब एक्सचेंज करनी है। तो ये चीज़ बहुत इजी इससे कर सकते हो कि आपको मेल बॉक्स में जाना है, फ्रेंड्स पे जाना है, आपको इस तरीके से रीड एंड ऑल कर देना, अगले दिन फिर ये चीज़ करनी है, इस तरीके से आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके चलते अपने अगले मिशन पर जिसमें लिखा है स्विम फॉर अ टोटल ऑफ 3000 मीटर इन क्लासिक मोड। हाँ गाइस, ये वाले मिशन के लिए मैं वेट कर रहा था। ये चीज़ मुझे देखना है कि जो हम लोग न्यू मोड आया है उसके अंदर हम जो स्विमिंग करेंगे वो काउंट होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो भी काउंट होगा क्योंकि वो भी स्विमिंग में ही आता है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरीके से वाला मिशन आपकी बार तो बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यार, तो अब ये जो लोग करते थे आधा आधा घंटा मैच के अंदर में जाके सिर्फ स्विमिंग कर रहे हैं, अब वो करना भूल जाओ, आपका यूँ ही कंप्लीट हो जाएगा मोड पे ही। जब इवेंट पे जब जाओगे तो वहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको इतना तैरना ही होता उसमें। इसके बाद अगला मिशन है इक्विप टू फायर आर्म्स विद फुल अटैचमेंट एट द सेम टाइम इन 8 क्लासिक मोड मैचेस। तो आपको 2 फायर आर्म्स को पिकअप करना है, वो भी 8 मैचेस के अंदर में। भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक ये वाला मिशन लाए, तो यार इसमें कंप्लीट करने में लाले तो लग जाएंगे, तो आप लोग कंप्लीट कर लेना कैसे भी करके। इसके बाद जो अगला मिशन है जिसमें लिखा है स्पेंड अ टोटल ऑफ 60 मिनट इन द गेम ड्यूरिंग द सीजन। तो ये वाला मतलब स्पेंड जो 60 मिनट है, तो इस तरीके से बढ़ते 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 2160 मिनट तक चला जा रहा है, वो भी इस सीज़न के अंदर में, ठीक है। और आपको बता दो कि अगर आप लॉबी में रहते हो चाहे गेम खेलते हो दोनों काउंट होगा। तो ये वाला जो मिशन है ना बहुत ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा, लगभग 8 से 10 दिन लगता है, 20 दिन लगता है, आप लोगों का ये वाला मिशन ईजिली कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस सर यही था वी सीजन चैलेंज मिशन, बहुत इजी आ रहा है मिशन है, वही रिपीटेड मिशन है, कोई भी अलग मिशन नहीं दे रहे हैं ये लोग।